तो आज बुधेर की गुफाएं को हम एक्सप्लोर करेंगे और वो सुना है कि वो 150 मीटर अंदर है, उसको जाके देखेंगे कि कितना अंदर है वो। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इट वाज एक्सप्लोर्ड बाय ए फॉरनर जिनका नाम म्योली था, उसके नाम से भी ये गुफाएं जानी जाती म्योली के नाम से। तो अभी हम चक्रता से लगभग 35 किलोमीटर दूर हैं, ट्रैक कर रहे हैं और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर अभी और है। तो चलिए फिर निकलते हैं, आज वहीं गुफा में मिलते हैं, वहाँ एक बड़ा अच्छा बुग्याल भी है। चलिए लेट्स मीट। ओके चलो। बुधेर केव्स की मान्यता ये है कि यहाँ पर बहुत साल पहले कुछ अंग्रेज़ आए थे सिंगल, और उन्होंने इसको डिस्कवर किया, उन्हीं के नाम से बुधेर केव्स और माना जाता है। ये चक्रौथा से महज 20 किलोमीटर रोड और उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर्स और कनासर से 7-8 किलोमीटर्स बैक। तो चलिए आगे चलिए देखते हैं। आओ परी महल की तरफ। ठीक है, एक तो देख लिया हमने, ये छोटे छोटे पॉन्ड टाइप हैं लेकिन पानी लगभग यहाँ सूख गया। वैसे इसको भी देखें जरा। हाँ, इसमें भी पानी जो है इट्स ड्राई, ये भी पूरा खाली हो गया। ये छोटे छोटे यहाँ काफ़ी सारे कुंड हैं तो पानी तो यहाँ है नहीं, है ना। एक ये है, इसमें पानी नहीं है। तो चलो पानी नहीं मिला कोई बात नहीं, अब लेट्स एक्सप्लोर जो हिस्टोरिकल और आपका ऐतिहासिक परी मंदिर है उसको देखते हैं। चलिए ओके। मुझे लग रहा वहाँ पर पानी है, थोड़ा सा पानी है। चलिए 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 चलिए, ये पानी है यहाँ पे यार। यस, थोड़ा सा पानी मिल गया। वाओ क्या बात है। और ये पानी जो है ये जमा हुआ है, इसके ऊपर हल्की सी बर्फ की जो है अभी भी चादर है। आइए आपको दिखाते हैं, आ जाओ। ये देखिए, ये पानी की अभी इसमें भी है, देखो ये अभी पूरा ये नीचे पूरा डूब नहीं रहा है। ये मतलब एक हफ्ता पहले यहाँ कम से कम ये फ्रोजन होंगे, छोटे छोटे जो पानी के सोर्सेज हैं। और ये अभी पूरा जो है अभी टूटा नहीं है। ये इसको मैं तोड़ के देखता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये भी पानी पूरा जो है ये बर्फ़ बना हुआ हल्का सा है, शीट्स या यू कैन ब्रेक इट। तो चलो एक चीज़ तो हमें मिल गई यहाँ, एंड दैट इज़ अ स्मॉल वाटर पॉन्ड जो ऑन द वर्ज ऑफ, अब फ्रोजन तो नहीं, अब ठीक है। ठीक है, अब हम चलेंगे और भी यहाँ छोटे छोटे इस तरह के कुंड हैं, अब परी महल देखते हैं। ठीक, चलिए। पीछे पूरी रेंज दिख रही है मेरी पहाड़ों की। चलिए आगे अभी परी महल की तरफ आओ, साथ साथ चलो। एंड दिस इज अ स्मॉल बुग्याल, एक छोटा सा बुग्याल है और काफ़ी अननोन डेस्टिनेशन है ये, लोग ज़्यादातर इसको जानते नहीं हैं। इंडिया के क्या, इवन उत्तराखंड के काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। ये जौनसार में पड़ता है चक्रौथा के पास। चलिए आइए, ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये परी मंदिर है, परी का मंदिर, परी महल। आइए विजिट करते हैं इसको, यहाँ की ये दूसरी खूबी है। और अभी हम इस मंदिर में ही टॉप पे रहेंगे, बुधेर टॉप कहते हैं इसको। आइए
यहाँ से आपका केदारनाथ पीक्स, चौखंबा, पंचुली, त्रिशूल, सारे के सारे पीक्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ से, है ना। तो काफ़ी अच्छा, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री का यहाँ से व्यू दिख रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द फैबुलस प्लेस नियरेस्ट टू देहरादून। आइए, मंदिर के परिसर में हम आ गए हैं और इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ के लोकलाइट से हम जानते हैं। अगर आप मंदिर का ऊपर देखेंगे, ऊपर का पार्ट, ये पूरा जौनसारी आर्किटेक्चर में है और ये पहाड़ी आर्किटेक्चर भी है और ये उस ज़माने में अपने ही जो लोकलाइट शिल्पकार होते थे उन्हीं के द्वारा ये इस्तेमाल किया गया, लकड़ी और पत्थर दोनों। तो पहले तो इसके एक परिक्रमा कर दें हम, इनकी जरा आइए जरा इसको इसके परिक्रमा करें जरा इसके। ये इनके बर्तन हुर्तन यहाँ पर फिक्स कर रखे हैं इन्होंने देवी के लिए, और आइए इसकी परिक्रमा करते हैं जरा। फुल लेंथ है तो नहीं ना, रख रखाव ना होने की वजह से पत्थर जो है इसके ढीले पड़ रहे हैं। ये इसका बैक लॉक है पूरा, ऊपर से टूट गया है थोड़ा सा, ये देखिए इसको। इसके ये देखिए इसके ना, ये काफ़ी नीचे है। और अब इसके बारे में ज़रा अंदर टटोलेंगे, ये देखिए ये जंगली जानवरों के सिंग लगा रखे हैं यहाँ पे, ये पूरे इधर भी और इस फ्रेम में भी यहाँ पे, ये इन्होंने थोड़ा सा हिला दिया गया है। ये इनके गार्ड हैं, ये देव के, महासु देवता के, ये सारे इन्होंने वो लगा रखे हैं। और अंदर कोई मूर्ति की स्थापना नहीं है अंदर, बस यहीं पर है। लोगों ने ये कई जानवरों की जो है सिंग इसमें इन्होंने गाड़े हुए हैं, और ये है इसमें, ये देखिए। अंदर तो फिलहाल कोई आइडियल है नहीं, थोड़ा सा अबंडेंट है ये पूरा अंदर का इलाका। और ये देखिए इनकी जो मूर्तियाँ, इसमें इन्होंने ये उस ज़माने की जो है गाड़ी हुई है, और शिल्पकारी में ये सर्वप्रथम रहता है इनका। ये देखिए इसका ये पूरा, और किनारे किनारे से ये इनका मुंह बना रखा है यहाँ पे पूरा। ये चलिए भाई, हो गया दर्शन उर्शन, हो गया वो यहाँ से कहीं से निकले क्या पीछे। टेरेन काफी वो है, गिरने के भी चांसेस होते हैं इसमें, कर लेंगे यार एडजस्ट। इधर से आते हैं, चलो। वहाँ से भी रूट था लेकिन हमने शॉर्टकट नहीं मारा, लॉन्ग टर्म मारा यार। अब गुफाएं देखने चलते हैं। तो मंदिर से तो नीचे आ गए हम, यहाँ ये तो गुफा के परिसर में तो आ गए हैं। एक ये है तो भाई, ये तो नहीं लग रही है गुफा, ये तो नहीं है। यहाँ पत्थर उत्थर डाले, इनको आगे चल के देखते हैं।
आ जाओ, देखते हैं यार। हाँ, इधर में लग रही है, यहाँ पर है गुफा, है ना? चलो। गुफा है ये, फर्स्ट क्लास। अब सुना है कि ये 150 मीटर अंदर है और बरसातों का पानी लग रहा है यहाँ भरा हुआ है अंदर, नीचे जैसे नीचे जाएंगे तो, और अंधेरा है तो लाइट लेके जाता हूँ मैं, देखते हैं कहाँ तक हम कवर करते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट बोल देना मुझे, हैं। यहाँ जानवर भी हो सकता है, भालू, गुलदार, शेर हो सकते हैं, वो ऐसी गुफाओं में रैन बसेरा करते हैं अपने, जहाँ इंसान आते नहीं है। चलिए फिर।